सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। ये मैंने देखिए ईद मेकअप लुक ट्यूटोरियल बनाया है, देखिए आप सब कुछ कैसे लग रहा है आपको बताइए मुझे। तो मैं स्टार्ट करते हैं मेकअप हमारा। मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था फेस को, फिर टोनर लगा दिया है फेस पे, ये प्लम का है जो आप प्रॉश हो चुका है ये। फिर उसके बाद मैंने माइक लैम का मॉइस्चराइजर यूज़ किया है। देखिए मैं उसको ओपन कर रही हूँ फिर लगा रही हूँ। मैंने एक्चुअली फिंगर से लेकर पूरे हाथ पे लगा के मैंने ही स्प्रेड करके फेस पर लगाया है। ब्रश से लगाना मैं बेहतर नहीं समझती हूँ, इसलिए मैंने अपने हैंड से ही लगाया है। देन मैंने रिकोट का प्राइमर यूज़ किया है, बहुत ही बेस्ट प्राइमर है गाइस, ये बहुत ही अच्छा है, ब्लर आउट कर देगा पूरी फेस को, आपको फिल्टर लुक दे देगा, बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद मैंने आईब्रो पोमेड नहीं यूज़ किया, आईब्रो पेंसिल यूज़ किया है। मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है पोमेड एंड यू, सबसे बहुत ही बेस्ट है मुझे पेंसिल, जो बहुत ही अच्छी एंड फिनिशिंग वाली लुक दे देती है आपके आईब्रो को, बहुत इन्हेंस कर देती है। देखिए आप, मैं आपको दोनों में भी डिफरेंस दिखाऊंगी, आप देखिए कितना ही अच्छा है। और मैंने डार्क ब्राउन कलर पेंसिल लिया है, बहुत ही अच्छा है ये, देखिए कितना डिफरेंस दिखा रहा है। देन मैंने दोनों आईज़ में दोनों तरफ का लुक कम्प्लीट कर दिया है। देन मैंने ना एकदम लाइट कलर के कंसीलर से ना आईब्रो को पूरा इन्हेंस किया है, आईब्रो से लेके पूरे आईज़ को मैंने इन्हेंस किया है, ताकि कि लाइट ये लगाएंगे ताकि हमारा आई शेडो बहुत ही अच्छे से निखर कर आए। फिर हमने पूरे आई शेडो, मतलब पूरे आई शेडो के लिए हमने पूरा कंसीलर कर दिया था, उसको मैंने पाउडर वगैरह सब कुछ लगा दिया। ये देखिए पाउडर लगा रही हूँ मैं भी इस पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। देन अभी इस पर जो भी मैं कलर्स लगाऊंगी वो पॉप आउट होकर आएंगे, ताकि आपको अच्छे से और ही अच्छा लुक आए इसमें। तो अभी मैंने देखिए लाइट ट्रांजिशन शेड लिया है, बहुत ही बेस्ट है ये भी, ट्रांजिशन शेड मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया है। फिर उसके बाद अब शायद डार्क कलर का मैंने कलर लिया है, राइट, हाँ डार्क कलर का कलर से मैंने फिर दोनों ही आईज़ पे, मैं सॉरी एक आपको बता दूँ तो मैं हेलो आईज़ लुक क्रिएट कर रही हूँ, मैंने कुछ कंसीलर वगैरह नहीं लगाया हेलो आईज़ के लिए, सिंपल नॉर्मली आई शेडो से ही मैंने किया हुआ है, आप सब देख सकते हो। और गाइस मैंने ना फर्स्ट और सेकंड ईद लुक भी क्रिएट किया है, वो मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे है, आप लोग प्लीज़ देखिए, उसे भी प्यार दीजिए, इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, लास्ट तक बने रहिए। फिर मैंने लाइट ग्रीन कलर का मैंने आई शेडो लगाया है, क्योंकि वो पिंक पे उतना उभर कर नहीं आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा उसको ग्लिटर भी लगाया उसके ऊपर, लाइट आसमानी कलर है वो भी, लाइट ब्लू बोलते हैं उसको, देन उसको भी लगाया तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने इंग्लॉट का जेन लाइनर लगाया है गाइस, बहुत ही बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। आईलाइनर से मैंने इसको लगाया, ब्रश से लगाया है, पूरे आईज पे लगाया, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आईलाइनर से भी इसको कंप्लीट किया है, ताकि आईलाइनर से और भी अच्छा लुक आ जाए, इससे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट आईलाइनर लगाने से और अच्छा लुक आता है, तो मैंने लगाया है। आप लोग स्किप भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर मैंने डर्मा का क्रायलॉन का बेस लिया है, एक डार्क शेड है थोड़ा सा, D4 शेड नाम है इसका, ताकि मेरे स्किन थोड़ी सी मतलब इवेंट हो जाए, तो फेस थोड़ा अच्छा लगे और मतलब अच्छे डार्क कलर को थोड़ा सा क्लियर आउट कर दे। तो उसके बाद मैंने आई मैजिक का फाउंडेशन यूज़ किया, बहुत ही अच्छा है गाइज, फुल ऑफ ड्यूप ऑफ हुडा ब्यूटी फाउंडेशन। बैली का ब्रश यूज़ किया है, ब्रश से हमेशा एप्लीकेशन कीजिए गाइस, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। देन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया है। देन मैंने लाइट कलर के कंसीलर से पूरे फेस को हाईलाइट किया है, ताकि थोड़ी अच्छी सी हाईलाइटिंग हो जाए पूरी फेस की, क्योंकि फ़ोटोज़ कैमरा एंड ऑल हमें लेना होता है, मतलब फ़ोटोज़ लेना होता है ईद के लिए, तो और अच्छा इन्हेंस होकर आएगा फेस हमारा। देन मैंने लूज़ पाउडर से रिकोट का लूज़ पाउडर यूज़ किया है मैंने गाइस, बहुत ही अच्छा है, और बैले ब्रश यूज़ करके मैंने मतलब फेस को पूरा कवर कर लिया। देन शुगर का मैंने कॉन्टोर लिया है, मैंने क्रीम कॉन्टोर को अवॉइड किया है गाइस, क्योंकि मुझे कभी कभी मीन समर भी चल रहे हैं, इसलिए मैंने पाउडर कॉन्टोर ही बेस्ट लगा मुझे, तो मैंने वही किया है पूरे फेस को, नोज़ पे, फॉरहेड, चिन कॉन्टोरिंग कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने फेस पे आई मैजिक का ब्लशर यूज़ किया है, आई मैजिक इज़ द बेस्ट ब्रांड प्राइस, बहुत ही अच्छा है, रीजनेबल प्राइस, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका, सारे मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में होगा, आप कभी भी इसे देखिए, बहुत ही अच्छा है। अभी आपको भूत में दिख रही रहूँगी मैं ब्लशर की वजह से, बट लास्ट में वो पूरा सेटल हो जाएगा, आप देखिएगा।
फिर उसके बाद मैंने बोजो का ब्रिलियंस हाइलाइटर लिया है, गोल्ड कलर का है, बहुत ही अच्छा है, मतलब इसकी पिगमेंटेशन वाओ गाइस बहुत ही बेस्ट है। देन फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक यूज़ की, पहले आउटलाइन किया फिगरेट मतलब लिप्स को, देन उसके बाद मैंने पूरे लिप्स को फिल किया, थोड़ा सा डार्क लगा, फिर उसके बाद लास्ट में पूरे वीडियो होने के बाद मैंने उसको थोड़ा सा लाइट किया, क्योंकि मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था इसलिए। फिर उसके बाद मेकअप फिक्सर से पूरे लुक को कंप्लीट किया, शुगर का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत बेस्ट और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये फिक्सर। देन पूरी फेस को मैंने अच्छे से फिक्स करने के बाद थोड़ा सा डैप डैप कर लिया, ताकि थोड़ा सा फिनिश आउट हो जाए। देखिए मेरा लुक कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट करके बताइए गाइस। ये मेरा ईद का लुक है और आगे भी मैं 2-3 लुक्स और क्रिएट करने वाली हूँ। मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए गाइस प्लीज़, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।